हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात तार अनुपात एक है। धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, तो समय का अनुपात कितना है? समय बराबर कितना है? तार अनुपात एक, तार अनुपात एक। तो इसका ताल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। ताल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा, तो एक अनुपात तार। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के अंकीय मान बराबर है। तो घन का आयतन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो इसका अंकीय मान ए क्यूब बराबर 6a², तो ए क्यूब बटा ए स्क्वायर बराबर 6, तो ए बराबर हो जाएगा 6। अब इसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन ए बराबर 6, तो घन का आयतन ए क्यूब बराबर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216 घन इकाई। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 80% पर 5% की दो क्रमागत छूट देता है, तो कितना होगा? 80 उसका क्रय मूल्य है, तो दुकानदार 100 से कितना दे रहा है? 95। फिर 100 से 95, तो 100 से 95 मतलब अगर दुकानदार दे रहा है 20 से 19, 100 को अपन 5 से काट दिए, 20 से 19, तो 19 से 361 और 20 से 20 × 20 400, तो 80 बटा 400 × 361, तो 80 से ये 5 बार, 361 के अंदर अपन 5 का भाग देते हैं, तो 5 7 35, 5 7 35 एक, 5 7 35, 5 × 10, फिर 5 × 10 75.20 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, जब किसी संख्या को किसी संख्या के 8 गुने में 60 जोड़ा जाता है, तो 8 गुने में माना संख्या, अगर संख्या अपन को अक्ष मान लेते हैं संख्या को, तो संख्या के 8 गुने में 8 अक्ष गुने में कितना जोड़ा जाता है? 60 जोड़ा जाता है, तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ये हो जाएगा 8 अक्ष बराबर 96, अक्ष बराबर 12, तो ये हो जाएगा अक्ष का मान। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, दो चचेरे भाइयों की आयु का योग 35 वर्ष है, आयु का योग 35 वर्ष है, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1, तो 10 साल पहले, तो दोनों की आयु में से कितना घटा देंगे अपन? 20 साल, तो कितना हो जाएगा? 15, तो 15 बटा अनुपातों का योग कितना? 3, कितना आ जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 10 साल पहले 10 वर्ष का ये था 5 वर्ष का, तो वर्तमान आयु जोड़ने के लिए दोनों में अपन 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20 साल का, ये हो जाएगा 15 साल का। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854, तो 4 वर्ष में कितनी होती है? 854, 3 वर्ष में कितनी होती है? 815, तो 854 में से 815 चला जाएगा, तो आएगा 39, 1 साल में 39, तो 3 साल में कितनी हो रही है? 3 × 39, 3 × 39, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 4 साल में, 4 साल में कितनी हो जाएगी? 4 × 39
इंटू 39, 4 साल में हो जाएगी 156। तो 854 माइनस 156, 854 माइनस 156 798। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 60% पर बेचा जाता तो 35% की हानि होती। वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, मतलब एक वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 60% पर बेचा जाता, इस कीमत के 60% कितना, 60 रुपये में बेचा जाता, 60 रुपये में बेचा जाता तो कितने की हानि, तो 60 कितने की हानि, 35 की। तो 60/65 इंटू 100, 60/65 इंटू 100, तो ये चला जाएगा 13 बार, 5 से ये चला जाएगा 12 बार, तो ये हो जाएगा 1200/13। तो लाभ कितने का हो रहा है, 100 माइनस 1200/13, ये हो जाएगा 1300। इधर हो जाएगा 100/13 का लाभ हो रहा है, 100/13 इंटू वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 1300 इंटू 100। तो 13 से 13 चला जाएगा, 100 से 20 से 20, 100/12, 8 सही 1/3%। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 22 एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 6 गुने के बराबर है, तो दोनों में से बड़ी संख्या, अगर पहली संख्या पर मान लेते हैं, पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या हो जाएगी 22 - x। तो एक संख्या का 5 गुना, तो 5x बराबर दूसरी संख्या का 6 गुने से, दूसरी संख्या 22 - x 6 गुने से बराबर है, तो हो जाएगा 5x बराबर 22 को 5 से, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 - 6x, तो हो जाएगा x 6 और 5 11x बराबर 132x बराबर 132/11, ये हो जाएगा 12। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 12 और छोटी संख्या हो जाएगी 10। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 100 है, पहली और दूसरी का अनुपात 4:9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4। तो पहली और दूसरी और दूसरी और तीसरी, तो पहली का कितना है 4:9 और दूसरी और तीसरी का 3:4, तो दोनों का एलसीएम 9, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1। 4:9:12, पूरी टोटल की संख्या कितनी है 100/9 और 4, 13 और 12, 25, 100 के अंदर 25 का भाग देंगे तो 4। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 9 × 4 = 9 = 36। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन। छमाही आधार पर चक्रवर्ती करके गणना किए गए 18,500 की धनराशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवर्ती ब्याज, 18 माह है, 18 माह को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माह, मतलब माह है मतलब 3 साल, और दर हो जाएगी आधी, दर कितनी है 40 में 2 का भाग दे देंगे तो दर हो जाएगी 20%। 3 साल, 3 3 1, 3 साल का ट्रिक है, दर की वो कितना है मूलधन 18,500, 18,500 का 20% 3700, 3700 का 20% 740, 740 का 20% 148, 3700 × 3 = 21, 11 × 7 = 21, 10,000, 11,100,
100, और 740 का 3 गुणा 7 या 2100, 2220, 2220 और 148, ये हो जाएगा 8, 4 2 6, 2 4 3 1, 13,468। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, सरल कीजिए 106 इंटू 106 प्लस 94 इंटू 94, तो 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, ये ऐसा है, तो 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, संग संग 36, 10 का हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 120, ये हो जाएगा 6 3 2 1 11, 236 प्लस 94 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 9 का 9 नाम 81, 9 चौक 36, 36 दुना 75, ये हो जाएगा 6 3 8 8 88 36, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 20 0 75। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 होता है, यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, तो 10 वर्ष का कितना होता है 700, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 700 भाग 10 = 60 रुपया, 1 साल का 60 रुपया, तो 5 साल बाद, तो 5 साल इंटू 60 मतलब 300 हो जाता है, इसको डबल कर दिया जाता है, 5 साल बाद इसका ये 300 हो जाएगा, 300, और मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है, मूलधन 3 गुना हो जाएगा, तो 300 × 3 900, और 300 वो ब्याज था, तो हो जाएगा पूरा 1200। आगे देखें स्टूडेंट्स, दो क्रमागत सम पूर्णांकों का मैसे ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत सम पूर्णांकों का मैसे HCF 2 होगा हमेशा। आगे देखें स्टूडेंट्स, PQR 35,000, 45,000 और 55,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, PQR कितना, 35,000, 45,000 और 55,000, 3 0 से 3 0 और 5 से 7 बार, 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, और उनका टोटल लाभ कितना था 40 500 भाग, अनुपातों का योग 11 और 9, 11 और 9, 20 20 और 7 27, 27 का इसके अंदर भाग देते हैं, 27 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 15,000, 1500, 15 × 7 10,500, 15 × 9 13,500, 15 × 11 16,500। आगे देखें स्टूडेंट्स, तो इसके आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 10.98 × 10.98 प्लस 10.98 × k प्लस 0.02 × 0.02 एक पूर्ण वर्ग है, तो k का मान याद कीजिए, तो ये हो जाएगा a बराबर 10.98 और b बराबर 0.04, 2ab का मान हो जाएगा 10.98 k, ये हो जाएगा 2 × 0.02 × 10.98 = 10.98 k, और k बराबर हो जाएगा 0.04। आगे देखें स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन, 3 प्लस 1 बटा, तो
दो दूनी चार, चार एक पांच, पांच बटा चार, चार ऊपर चला जाएगा, पांच एकम पांच, पांच चार नौ, नौ बटा, नौ बटा, नौ बटा नौ, नौ नौ बटा चार, तो चार ऊपर चला जाएगा, नौ एक, नौ एकम नौ, नौ चार पांच तेरह, तेरह बटा नौ, नौ ऊपर चला जाएगा, नौ ऊपर चला जाएगा, तेरह बटा नौ, ये नौ बटा तेरह बटा, तेरह बटा नौ, तो ये हो जाएगा तीन प्लस नौ बटा तेरह, तो 13 तीन 39 और तीन 48 बटा 13। आगे देखें स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमेशा होगा एक। आगे देखें स्टूडेंट्स, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई इसके त्रिज्या के बराबर है, तो कितनी है वर्ग की आधी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 11 दुना 22, 11 चार दो से 7 बार, आर बराबर 7, आर बराबर 7, तो ठोस सिलेंडर की त्रिज्या इसकी आधी, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर वन, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर किस, आर इसकी आधी, आर आधी हो जाएगी 3.5 इंटू, 3.5 इंटू, और त्रिज्या इसकी ऊंचाई इसकी बराबर, तो ऊंचाई जाएगी 7 और 3.5 10 पॉइंट पांच, पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 10, ये 7 से 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से 2, 22 इंटू 10.5, ये हो जाएगी 231 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, जब चॉकलेट को एक के दो, एक में दो के भाव से खरीदकर एक में चार के भाव से, मतलब एक रुपए में दो के भाव से खरीदार एक रुपए में चार के भाव से बेच दिया, तो चॉकलेटों का अनुपात एलसीएम ले लेंगे 4:2:1, दो के भाव में खरीदार एक के भाव में बेचा, तो कितने का नुकसान हुआ, एक का कितने पे, दो पे इंटू 100, 50% की हानि। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक काम को करने में पी क्यू आर एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है, पी क्यू आर एस 2:3:5:4 टोटल रुपया कितना है 4,200, तो अनुपातों का योग 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये कितना बार चला गया 300 बार, तो सब किसको सबसे ज्यादा राशि मिली, आर को मिलेगी 5 इंटू 3 1500 रुपया आर को। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 110 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में, यह तो हो गया मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर पर, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में 18 बटा 5 से, तो 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 5 दूनी 10 का ये चला जाएगा 11 इंटू 3 11:33 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, 0.125 के ऊपर बार को प्रीमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 125, नीचे आ जाएगा जितनों के ऊपर बार है उसका 999, 125 बटा 999। आगे देखें स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, एक आयताकार प्लाट के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है, प्लाट का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, प्लाट का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, निर्माण में लागत 50 रुपए प्रति मीटर, तो निर्माण की लागत इसका आंकड़ा
पूरा पर्याप्त नहीं है। तो आंकड़ा आंकड़ा अपर्याप्त है, अपर्याप्त लिखेंगे। आगे देखें स्टूडेंट्स, 24वां क्वेश्चन। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की समांतर पटरियों पर चल रही है और समान दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 150 लंबाई हो जाएगी दोनों की, 350। अगर समान दिशा में चल रही है तो ताल घट जाएगी, मतलब ए माइनस बी। अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी चालें जुड़ जाएगी, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगी 45 माइनस 40 बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 5 × 5/18, तो ये हो जाएगी 350 मीटर बटा 25 × 18। 350 में 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14 बार। 350 में 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14 बार। 14 × 18 252 सेकंड। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।